तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ में से पूछना है कुछ, कोई प्रश्न है कल का? प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ पर कहा गया है कि बिना हिंसा के भोग की प्राप्ति नहीं होती है, तो भोग की क्या परिभाषा कर रहे हैं यहाँ पर? भोग का मतलब जो भी हम इंद्रियों के जो पांचों विषय हैं उन विषयों का सुख या दुख लेते हैं वो भोग है। उनसे दुखी होते हैं वो भी भोग है, सुखी होते हैं वो भी भोग है। हिंसा ऐसे होगी कि कोई भी भोग किसी दूसरे को कष्ट दिए बिना या अपने को कष्ट दिए बिना संपन्न नहीं हो सकता है। जैसे आप विजुअलाइज करें, जिन जिन विषयों से भी आप सुखी होते हैं, आप पहले ये बताइए कि आप कब कब सुखी होते हैं जीवन में? नहीं, उसको बताओ, सुबह से शाम तक की दिनचर्या में आपको खुशी कब कब होती है, कब कब खुश होते हैं? जैसे कि जब स्वामी जी हमें बुलाते हैं तब खुशी होती है कि हमें कुछ नया चीज सुनने के लिए मिलेगा उनसे। जैसे स्वामी जी बुलाते हैं, गुरु अपने पास बुलाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं कि कुछ तो हमें नया मिलेगा जी। और कब खुश होते हैं? और अनुकूल अच्छी चीज खाने वो के लिए मिल कब जाए। अच्छा, जो खाना हमें पसंद है जिस दिन वो खाना मिले हमें अच्छा लगता है, खुशी होती है। और कब खुशी होती है? और कहीं घुमाने के लिए ले जाएं स्वामी जी को, कहीं घुमाने के लिए ले जाएं, खुशी होती है। ठीक बात है। जब कोई बड़ाई करे तो कैसा लगता है? उससे भी खुशी होती है। कोई हमारे को ऊपर उठाता है तो अच्छा लगता है, कोई हमारे को प्रेम करता है, सम्मान करता है, प्रशंसा करता है, तब भी अच्छा लगता है। तो ये हमें कुछ विषय ऐसे हैं जो रसना इंद्रिय को अच्छे लगते हैं, रसना के विषय हैं खाने वाले। कुछ ऐसे विषय हैं जो आँख के विषय हैं, रूप, अच्छे अच्छे सीन देखने को मिले, पहाड़ पे ले गई, नदी पे, झरने पे ले गई। कुछ विषय ऐसे हैं जो कान को अच्छे लगते हैं, जैसे प्रशंसा आदि। तो ये इंद्रियों के विषय हैं ना, तो जब जब हम इनका भोग करते हैं, माने जो हमें अनुकूल हैं उनका जब हम भोग करते हैं, तो ये इनके पीछे पीछे फिर एक कर्माशय भी बनता है, रागज, सुखानुशयी रागज, जहाँ जहाँ सुख होगा वहाँ वहाँ उसका कर्माशय भी बनेगा। ऐसे ही दुख कब कब होता है हमें, कब कब बुरा लगता है, दुखी कब कब होते हैं? प्रतिकूल लगता है इंद्रियों। अपने जीवन का बताओ, प्रतिकूल मतलब क्या? प्रतिकूल तो अप्रिय हो गया, कब बुरा लगता है? जैसे कि हमें जो अच्छी चीज लगती है सुबह से शाम तक के जीवन में, देखो ना अपने जीवन में देखो कि हमें बुरा कब लगता है। सुबह आपको बहुत अच्छी सी नींद आ रही है
और फिर कोई आके आपके बोले चलो उठो, अभी तक उठे नहीं, घंटी नहीं सुनी, तो उस समय कैसा लगता है? बुरा लगता है, क्योंकि हमें सोने की इच्छा थी, उसने जगा दिया। और कब बुरा लगता है? कोई कठोर बोल देता है, तो हमें इच्छा थी कि भाई वो हमें थोड़ा आराम से बोले, तो किसी ने डांट दिया, कठोर बोल दिया, या अपमान कर दिया, या कोई आरोप लगा दिया, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, फिर बुरा लगता है। और कब बुरा लगता है? है जी, नहीं वो बताओ, अपने जीवन की घटना बतानी है। जिस दिन योग ध्यान प्राणायाम नहीं कर पाते, कुछ विशेष कार्य रुक जाते, तो उस दिन थोड़ा अच्छा महसूस होता। क्योंकि हम चाहते थे योग प्राणायाम ध्यान आदि, और वो हो नहीं पाया किसी कारण से, तो फिर वो आत्मा को अच्छा नहीं लगता है। जिसकी रुचि उस तरफ है उसको अच्छा नहीं लगता है, जिसकी रुचि आराम की तरफ उसको बहुत अच्छा लगता है कि बढ़िया आज तो छुट्टी हो गई कम से कम। अलग अलग संस्कार है ना, जैसे हम छोटे थे तो गांव में बिजली कट जाती थी, गांव में पढ़ते थे हम, और बाई चांस उस दिन घर में लालटेन में तेल भी ना हो, तो फिर हम बोलते थे कैसे हैं ये बिजली वाले, क्या बताओ कैसे पढ़ें अब, ना तेल है ना बिजली है, और अंदर अंदर से इतनी खुशी होती थी कि बढ़िया है, तेल नहीं है और बिजली भी नहीं है तो आराम से सोएंगे। बाहर से मतलब उनको ब्लेम करते थे, घर वालों को भी ब्लेम करते थे कि आप लाइट भी नहीं रखते हो, टॉर्च भी नहीं, बैटरी भी नहीं, तेल भी नहीं, तो पढ़ें कैसे हम, और अंदर अंदर से खुश होते थे। तो ये अपने संस्कारों पे डिपेंड करता है। किसी किसी को लगेगा कि चलो आज योग प्राणायाम ध्यान की छुट्टी हो गई तो आराम से सोएंगे, रोज़ तो जाना पड़ता है। किसी को लगता है कि आज तो कुछ छूट गया, मतलब कुछ चीज़ की कमी रह गई। तो इसका ये हो गया कि जो हमारे संस्कारों के अनुकूल नहीं होता है तब भी हमें कष्ट होता है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें। माने एक मेजोरिटी जिन भाई बहनों को कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मान लो कोई कड़वा काढ़ा है जैसे, तो ज़्यादातर को अच्छा नहीं लगता है कड़वा, और वो बना दें और ये रूल कर दें कि ये सबको एक एक बड़ा गिलास भर के पीना है अभी, तो ज़्यादातर की मानसिकता क्या होगी, ऐसे सब के ऊपर थोप दिया भाई, जिनको बुखार होता है उनको पिलाओ, हम तो ठीक है, हाँ। और वो भी मतलब पूरा गिलास भर के, जिसकी जितनी इच्छा है, कोई दो घूंट पीना चाहे तो दो घूंट दे दो, ये कोई बात हुई कि पूरा भर के पिलाना है? तो हमारे अनुकूल खाने पीने की चीज़ नहीं मिलती है तो भी कष्ट मिलता है हमें, हमारे अनुकूल जो शब्द नहीं होते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो भी हमें कष्ट होता है। तो ये सारे भोग हैं जो पांचों विषयों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, तो ये सारा भोग है। तो आपका प्रश्न क्या था इससे आगे, कि हिंसात्मक ये कैसे बनते हैं भोग? भोग के लिए ऋषियों ने बताया कि कोई भी भोग आप भोगोगे तो किसी ना किसी को तो आपने थोड़ी ना थोड़ी या ज्यादा से ज्यादा पीड़ा दी है, कष्ट देते ही हैं आप। जैसे मान लो आप बहुत विद्या प्रेमी हैं, आपकी पढ़ने में बहुत रुचि है, आप पढ़ रहे हैं, तो आपने थोड़ा कष्ट तो मेरे को दिया ही ना, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए वो चलो मेरी भी रुचि है, वो एक अलग बात है, तो मैं उसको कष्ट मानूँ या ना मानूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपने तो थोड़ा कष्ट दिया ही ना दूसरे को, क्योंकि जब तक मेरे को आप थोड़ा कष्ट नहीं देंगे तब तक आप पढ़ नहीं सकते हैं, विद्या का प्रेम आपका पूरा नहीं हो सकता है। आप खाना खाते हैं आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए आपने किसान को थोड़ा ना कष्ट तो दिया ही है ना, यद्यपि उसने खेती अपने लिए की थी पर थोड़ा कष्ट तो उसको हुआ ही। अब किसान ने जो खेती की उसने अच्छा ही काम किया है, अन्न पैदा कर रहा है, खुद भी खाएगा, औरों का भी पेट भर रहा है, यदि किसान हड़ताल कर दे भूखे मर जाएं सब, बुद्धिमान से बुद्धिमान आईएएस आईपीएस सब भूखे मर जाएं यदि किसान हल ना उठाए, तो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ये तो वैदिक कर्म है, अक्षैर मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, वेद का मंत्र है ये। लेकिन खेती करते समय भी कितने कीट पतंग मरते हैं हल चलाते समय, तो वो भोग करने के लिए कुछ को तो आपने पीड़ा दी ही है।
अब मान लो आप विद्या पढ़ रहे हैं, आप में जो विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो उनकी आचार्य गण गुरुजन प्रशंसा भी करते हैं। तो जिनकी हम प्रशंसा करते हैं तो उनके ऊपर तो हमने एक टैग लगा दिया कि ये बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। फिर जिन्होंने नहीं सुनाया वो ऑटोमेटिक उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं, तो वो थोड़े उदास भी होते हैं। तो इसको टैग लगा के उसको तो हमने थोड़ा तो दुखी कर ही दिया ना, हिंसा तो हो ही गई ना। तो कोई भी ऐसा भोग नहीं है, हमें बचपन से ये संस्कार डाल दिए जाते हैं। और हमें कभी भी बचपन से ये नहीं सिखाया जाता है कि आप एक आत्मा हैं, आप अपनी आत्मा के गुणों को विकसित करें, ये नहीं सिखाया जाता है। बचपन में जैसे घर में कोई आता है, हमारा छोटा सा बच्चा है, हम उसको बोलते हैं कि चलो पोएम सुनाओ इनको, फिर वो एक दो पोएम सुनाता है, हिंदी में सुनाता है, इंग्लिश में सुनाता है, फिर हम कहेंगे कि इनको मंत्र सुनाओ, फिर वो गायत्री मंत्र सुनाता है, विश्वानी देव सवितुर सुनाता है, जो भी सुनाता है, फिर हम कहते हैं कि इसके बच्चे के लिए क्लैप्स, ताली बजाओ, बहुत अच्छा बच्चा है, गुड बॉय। अब उस बच्चे में वहाँ से वो संस्कार बन गई कि जब जब कोई मेरे को ऐसे प्रोत्साहित करता है, अप्रिसिएट करता है, तो उस समय मेरे को सुख मिलता है। और कभी जीवन में जब जब उसको ये प्रशंसा नहीं मिलेगी तो डाउन आएगा। ये वहां से हमने संस्कार बना दिए। और पास में जो दूसरा बच्चा खड़ा है जिसने नहीं सुनाई, वो ऑटोमेटिक अपनी ये मानसिकता बना लेगा कि मेरे अंदर कुछ तो हीनता है, मैं गुड बॉय नहीं हूं या मैं गुड गर्ल नहीं हूं। मैं ऐसे बोलते हैं ना शब्द, बहुत अच्छे बच्चे, बच्चे तो सारे ही अच्छे ही होते हैं। तो ये भाव हमारे अंदर होते हैं, ये परंपराओं से हमने ऐसे आ जाएगा। ये आज वाला जो सूत्र है ना, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, ये जो संस्कार दुख है इसमें आएगा। जैसे हमने एक संस्कार बना लिए कि भाई जो बहुत मोटा व्यक्ति होता है वो खराब, और जिसका सुगठित शरीर होता है, थुलथुल नहीं होता है, वो अच्छा। भाई जिसका बहुत गौर वर्ण होता है वो सुंदर, जिसका गौर वर्ण नहीं होता है वो असुंदर, जो लंबा होता है वो सुंदर, जो नाटा होता है वो असुंदर। अब ये संस्कार हमने फैला दिए, यद्यपि वर्ण का, हाइट का, मोटापे का, उससे रोग आते हैं वो अलग बात है, लेकिन सुंदरता से उसका कोई लेना देना नहीं है। श्याम वर्ण का व्यक्ति बहुत सुंदर हो सकता है, होते भी हैं। गौर वर्ण अपनी जगह है, श्याम वर्ण अपनी जगह है, उसका सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने ये संस्कार बना दी, उन संस्कारों के वशीभूत होकर के ही हम वैसा फिर बिहेव करते हैं, वैसा हमारा सोच होती है। सौंदर्य क्या है मनुष्य का? सौंदर्य है शील, सौंदर्य है सेवा, सौंदर्य है तपस्या, सौंदर्य है पवित्रता, सौंदर्य है करुणा, सौंदर्य है ज्ञान। असली सौंदर्य तो ये है ना आत्मा का। इसका क्या सौंदर्य है? कपड़ों का हमने सौंदर्य ऐसे मतलब वो बना दिए संस्कार कि जो बहुत महंगे होते हैं वो कपड़े अच्छे, जो सस्ते क्रेट में मिल जाते हैं वो कपड़े खराब। तो फिर हमारे को दुनिया के लोग उसी उससे आंकते हैं, उस संस्कार के कारण। अगर किसी ने 10-15 हजार के कपड़े पहन रखे हैं तो हमें लगता है इसके कपड़े अच्छे हैं, और किसी ने 20-30 रुपए मीटर के कपड़े पहन रखे हैं तो हमें लगता है इसके कपड़े हल्के हैं, खराब नहीं तो हल्के तो हैं कम से कम। तो ये क्या काम कर रहे हैं? हमारे संस्कार। तो ये हमने मानसिकताएं बना ली हैं। तो हम जितने भी भोग करते हैं उसमें कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा तो किसी ना किसी को कष्ट होता है। तो इसमें आया था, कल भी एक लाइन आई थी कि हम किसी एक के ऊपर अनुग्रह करते हैं, विशेष अनुग्रह करते हैं, तो किसी दूसरे को फिर हम थोड़ा कष्ट भी देते ही हैं, उसी समय में दूसरे को उससे कष्ट होता है। और ये तो मतलब बहुत प्रसिद्ध पीड़ा है। जैसे घर में रहते हैं तो कुछ बच्चे माता पिता को ब्लेम करते हैं
बोलिए आप तो इनसे ज्यादा प्रेम करते हो, मेरे से कम करते हो। अब ये एक संस्कार है बच्चे में, अब चाहे तो वो पहले से आया या अभी बन गया। अब उसने माता पिता को ये कहा तो अब माता पिता में भी एक उसको इंजेक्ट कर दिया। अब माता पिता दो चार बात के बाद वैसा ही रिएक्ट करने लग जाता है, वो वास्तव में ही उसकी छोटी छोटी बात को भी बड़ा करके बताता है, और दूसरे को से कभी भूल भी हो जाती है तो उनको इग्नोर कर देता है। ऐसे हम स्कूल कॉलेज में भी देखते हैं, संस्थान में भी देखते हैं, बोल जी इनके इनके तो सारे दोष माफ हो जाते हैं, ये कुछ भी करें हमारा नहीं होता है। अब उसने ये भी एक गलती कर दी ना, तो अब जिसके ऊपर ब्लेम कर रहा है वो क्या करेगा, वो अगली बार वास्तव में उसकी छोटी से छोटी गलती को देखेगा, बोल देखो आप उस दिन कह रहे थे अभी की ना आपने गलती, और दूसरे व्यक्ति की वास्तव में इग्नोर कर देता है। तो हम ऐसी भावना कर करके अपना भी माइंड तैयार कर लेते हैं और दूसरे का भी कर देते हैं। तो हम जो भी मतलब भोग तो दो में आ गए, सुख या दुख, तो भोग कभी भी दूसरे को हिंसा किए बिना नहीं हो सकते हैं। इसलिए यदि हमें सचमुच अहिंसा का पालन करना है तो हमें सुख और दुख दोनों का त्याग करना पड़ेगा। मतलब कभी भी जो व्यक्ति इस चीज पे कंसंट्रेट करेगा कि मुझे दुख नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से वो और ज्यादा दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसका केंद्र बिंदु क्या है, दुख। तो केंद्र बिंदु क्या बनाना है, नहीं सुख नहीं, सुख तो उसी का पहलू है दूसरा। ये व्यक्ति जो कह रहा है कि दुखी नहीं होना है मुझे, इसका मतलब वो सुख चाह रहा है, और सुख चाह रहा है तो सुख तो अपने आप में ही परिणाम में दुख लाएगा। ये बोल ही रहे हैं ना ऋषि, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिन। सर्वम का मतलब क्या है, सुख भी, दुख तो दुखदाई था ही, सुख भी दुखदाई है इसके लिए। तो हमें केंद्र बिंदु किसको बनाना है, आनंद को, जो सुख और दुख दोनों से ऊपर वाला है। तो यदि किसी को अपने जीवन में से दुख को हटाना है तो सुख को कभी भी आधार नहीं बनाना, दुख को कभी भी नहीं बनाना। आपका फोकस सुख या दुख पे नहीं होना, आनंद पे होना है। जो हमें बनना है, जो हम चाहते हैं, उसको हमें केंद्र बिंदु बनाना है। जैसे मान लीजिए हमें अपने जीवन की घटनाओं से इन चीजों को सीखना है, शास्त्र को समझना है, मुझे इच्छा है कि ये विद्यार्थी ऐसा आचरण करे, ऐसा मुझे लगता है। अब वो विद्यार्थी सुबह ना दिनचर्या में जाता है, ना ठीक से कोई दिनचर्या के नियमों का पालन करता है, करता है तो भी श्रद्धा पूर्वक नहीं करता है, अपने बड़ों को उस तरह से बिहेव नहीं करता है, विश नहीं करता है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं जाके सारी शिकायतें स्वामी जी को बता देती हूँ, ये बच्चा ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो अब एक तो मैं उसको भेज रही थी वो प्रसाद कि ऐसा है, वो उसको मिल रहा था, फिर उधर से भी स्वामी जी से भी आ रहा है, फिर उसको दो चार बार बोल भी दिया तो अब उसने भी मान लिया कि मैं, मेरे अंदर ऐसा ऐसा है, मैं ऐसा हूँ। तो अब उसके अंदर जो दोष थे वो घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमने उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप ऐसे ही हैं, जबकि हमारी इंटेंशन क्या थी, इसको मुझे ठीक बनाना है, अच्छा बनाना है। तो मुझे केंद्र बिंदु किसको बनाना था, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका ये जो व्यवहार था ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक कर लो। दोनों बातों में बहुत अंतर है, आपका व्यवहार में गलती हो गई ये एक बात है, और आप ही गलत हैं ये बिल्कुल दूसरी बात है। आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आत्मा सबकी एक ही है, लेकिन आप से में व्यवहार में ये त्रुटि हो गई थी, इसको आप ठीक कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, वो व्यक्ति ठीक कर लेगा। और उसको बार बार ये कहें कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत महान हैं, और मान लो कोई दूसरा ना कहे हमें, अब भाई कहाँ से लाएं इतने, एक दो तो चलो किसी को बता देंगे कि भाई ऐसे बोला करो, अभी आपको बाहर भी जाना है, फील्ड में भी जाना है सेवा की, तो वहां तो लोग त्रुटियां ही देखते हैं और वो फिर वैसा टैग लगा देते हैं कि ये ऐसा है। तो हमें क्या करना है,
जो वो टैग लगाई उससे उल्टा अपने को बताना है। दूसरे टैग लगा देते हैं, ये यहाँ कन्या गुरुकुल में मैंने देखा, अभी क्या नाम है उसका, राधिका देवनिष्ठा जी, तो उसने कई दिन के बाद मेरे को बताया, एक दिन बताया, बोल जी जब मैं नई नई आई थी ना तो मैं कोई भी नियम का पालन नहीं करती थी, तो यहाँ गुरुकुल के लड़कियाँ बोलती थी, बोली या तो कर ले नहीं तो सुमन दीदी को बुलाते हैं। मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई बात नहीं, और मतलब ये टैग लगा दिया कि दीदी आएंगी तो दीदी डांटेंगी तेरे को। और बोल जी मैं आपसे इतनी डरती थी, क्योंकि उसके संस्कार बना दिए ऐसे ऐसे, मतलब कोई भी कहना ना माने, घर में भी करते हैं ना ऐसे, छोटे छोटे बच्चों को बोल खाना खा लो नहीं तो उसको बुलाते हैं, किसी एक व्यक्ति का टैग लगा देते हैं। अब उस बच्चे के दिमाग में जीवन भर ये विचार बन जाता है कि ये ऐसे हैं। अच्छा वो व्यक्ति भी जब सुनता है तो उसको लगता है कि कहीं मैं सचमुच ऐसा ही तो नहीं हूं। तो हमें अपने ऊपर दूसरे टैग लगाए उसको स्वीकार नहीं करना है, हमें उल्टा अपने आप को टैग लगाना है, नहीं मैं बहुत करुणा वाली आत्मा हूं, मैं सबसे प्रेम करने वाली आत्मा हूं, मैं सबको डांटने वाली आत्मा नहीं हूं। दूसरे बोले तो भी स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि हमें वैसा नहीं बनना है। यदि हमने स्वीकार कर लिया तो भी गलत, और यदि दूसरों ने कहा और हमने वैसा मान लिया तो भी हम वैसे ही बन जाएंगे। तो हमें ये भोग मात्र से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं ये ऋषि, कि यदि आप पुण्यात्मक कर्माशय बनाएंगे तो आपको जो भोग मिलेंगे वो लाद फला होंगे, सुख देने वाले होंगे। यदि आप पाप का कर्माशय बनाएंगे तो दुखदायी होंगे, उसके सुख या दुख मिलेंगे आप यदि पाप और पुण्य दोनों करेंगे तो। इसलिए आपको क्या करना है, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर निष्काम कर्म। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करें, मतलब पहले ही दिन कोई व्यक्ति छोटा बच्चा पायलट बन जाता है क्या, शुरुआत कहां से करता है, रेडू चलाने से, पहले तो लकड़ी का रेडू होता था, आजकल तो प्लास्टिक की आ गई, पहले पैदल चलना सीखता है, फिर उसको हैंडल करना सीखता है, फिर साइकिल सीखता है, फिर गाड़ी सीखता है, मतलब एक स्टेप वाइज जाता है ना। तो आज ही निष्काम कर्म कैसे करने लग जाएंगे आप, पहले पाप कर्म से बचना है, मेरे को सुबह से शाम तक शरीर से मन से वाणी से एक भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे मुझे पाप लगे। मान लो मैं किसी के बारे में किसी के सामने क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, किसी के दोष ढूंढ रहा हूँ, वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, आप सावधान हो जाना उस समय, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। दूसरे को क्रिटिसाइज करने से आत्मा को खुशी मिलती है कि अप्रसन्नता मिलती है, कोई है ऐसा मनुष्य धरती के ऊपर जिसने किसी की एक घंटे भर बैठ करके चुगली की हो और उसके बाद उसकी आत्मा प्रफुल्लित हो गई हो, खिल गई हो, कोई भी ऐसा नहीं है। फिर लगता है कि मतलब बहुत थक गई, फिर बाद में कहते हैं चलो छोड़ो अब जैसा है, अरे एक घंटे तो इतना नुकसान कर लिया अपना, अब छोड़ो क्यों कह रहे हो, अब नहीं छूटने का, ये तो आपने डाल दिया कचरा। तो पहले हमें पाप कर्म से बच के पुण्य कर्म करना है, स्टेप वाइज बढ़ेंगे ना, और उसके बाद फिर ये ऋषि क्या कहते हैं कि ये विवेक भी मेरे लिए बंधन का ही कारण बनेगा, इसलिए धर्म में समाधि को प्राप्त करके फिर उसको विवेक से भी वैराग्य हो जाता है, पर वैराग्य, उसी को तो पर वैराग्य कहा। तो शुरू में भोगों से हटना है, मतलब सुखी भी नहीं होना दुखी भी नहीं होना, और सुखी हो रहे हैं तो निश्चित रूप से दुखी होंगे। तो जिस समय सुख ले रहे हैं उसी समय अपने को सजेशन देना है, और जिस समय दुख ले रहे हैं उसी समय अपने को सजेशन देना है। क्या सजेशन देना है, आपको कल बताया था, दुखी होंगे तब क्या कहना है, दुखी होंगे तब क्या कहना है,
मैंने ही कभी ना कभी तो कुछ ऐसा किया था, कोई ऐसा बीज बोया था, ये उसी का पौधा उगा है। तो अब क्या करना है, आज क्या करना है, आज क्या करना है, ये तो आपको समझ में आ गया, मैंने ही कुछ किया था उसका मिला है ये प्रसाद मुझे, अब क्या करना है। आज ये करना है कि बस आज फिनिश, आगे नहीं लेके जाना इसको, अब नया बीज नहीं बोना, पीछे किया था वो मिल गया मुझे। अब यदि उस व्यक्ति के प्रति फिर से दुर्भावना की तो फिर एक नया बीज और बो दिया, फिर आएगा कोई ना किसी ना किसी रूप में वो आगे, आगे के लिए नहीं बनाना है, आज उसको हटाना है। ये हटाने में पुरुषार्थ करना है सारा, शक्ति तो लगनी है, या तो उस व्यक्ति को कोसने में शक्ति लगेगी, उसके क्रिटिसाइज करने में शक्ति लगेगी कि देखो हमारे को ऐसे कह रहे हैं और ये भी तो ऐसे 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 हैं, तुरंत हम उनके दोष इकट्ठे करके बता देते हैं दूसरे को, दूसरे भी कहते हैं कि हाँ ऐसे ही हैं ये, तो वो हमें और प्रोत्साहन दे देते हैं, दूसरे प्रोत्साहन दें तो भी उसको आगे नहीं बढ़ाना है, तो दुख का भोग वहाँ खत्म हो जाएगा। और सुख आए तब क्या कहना है, अच्छी अच्छी चीज मिले तब क्या कहना है, खाने को भी अच्छा मिले, दूसरे प्रशंसा भी करें, सारी चीजें आप जैसा चाहते हैं वैसे हो, तब कैसे सोचना है। खाने को अच्छा मिले तब कैसे सोचना है, नहीं नहीं वो भी मेरा ही कर्म है, प्रभु की कृपा तो सब पे बराबर ही है, सुख में भी कृपा है दुख में भी कृपा है, मेरे ही किए हुए किसी कर्म का ये मुझे फल मिला है, लेकिन इस कर्म में मेरे साथ साथ बहुत लोगों का भी सहयोग है, केवल मात्र मेरा नहीं है ये। कोई व्यक्ति मान लो पढ़ाई में बहुत अच्छा होनहार बन जाता है तो सारी मेहनत किसकी है, उस विद्यार्थी की है, उसी के कर्म का फल है ना, लेकिन उसको नर्सरी से लेकर के आज तक जितने भी लोगों ने पढ़ाया उन सब का सहयोग है, उस पढ़ाई में जिस माता पिता ने फीस दी सहयोग दिया उनका भी सहयोग है, जिन लोगों ने बाधा नहीं डाली जो आपके सहपाठी थे उनका भी सहयोग है, कितने लोगों का सहयोग है जब आप देखने जाएंगे तो। आपको पढ़ते समय जिस किसान ने खाना खिलाया, जिस किचन वाले भाई ने खाना खिलाया उसका भी सहयोग है, यदि आपको खाना ही नहीं मिलता तो पढ़ नहीं पाते, फिर किचन तक वो सामान मार्केट से जो भाई लाया उसका भी सहयोग है, फिर जिसने उगाया उसका भी सहयोग है, तो बहुत लोगों का सहयोग है इसमें मेरे साथ साथ। तो इतना जब आप सोचेंगे तो फिर आपको उसमें अहंकार नहीं आएगा, ये मेरा ही है, मेरा है, मैं इसका पात्र हूं इसलिए भोग रहा हूं, दूसरे पात्र नहीं इसलिए नहीं भोग रही, अगर ऐसा आ गया तो फिर वो आगे भी मिलेगा आपको। तो भोग की इन्होंने मना किया है, आपका प्रश्न था ना कि भोग कैसे होता है, तो भोग ये है कि जब भी हम पांचों विषयों के उपभोग में सुखी या दुखी होते हैं यही भोग है, और भोग कभी भी बिना हिंसा के नहीं होता है, तो हिंसात्मक कर्माशय भी नहीं बनाना है हमें, उससे भी बचना है। कभी कभी हम अपने आप की भी हिंसा करते हैं, कभी कभी दूसरे की भी हिंसा करते हैं, वैदिक हिंसा और हिंसा दोनों शब्द लिया गया है। देखो हिंसा तो ये तो मतलब हमने अपने बचाव के लिए ये शब्द प्रयोग कर लिए, वैदिक हिंसा और लौकिक हिंसा, हिंसा तो हिंसा ही है, किसी हम मतलब यज्ञ करने के लिए जब बकरा काटेंगे तो उस हिंसा को हम हिंसा नहीं कहेंगे, वो वैदिक हिंसा है, और जब बाहर काटेंगे तो उसको हम हिंसा कहेंगे, वो ठीक है जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना बचाव करने के लिए शब्द बना लेते हैं, और कुछ ये होता है कि भाई अपरिहार्य होता है, जैसे यज्ञ करना जरूरी है और यदि उसमें ऐसा विधान है तो उनको वो करना भी पड़ेगा, अपरिहार्य स्थिति हो गई।